नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज की व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भारतीय विचारक, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिस। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने पाश्चात्य दार्शनिकों के शिक्षा दर्शन, उनके दर्शन, उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा करी, जिसमें मुख्य रूप से रूसो, जॉन डीवी, प्लेटो एंड पाउले फेरा पे हमने चर्चा की। अब हम शिक्षा और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स में भारतीय दार्शनिकों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे, जिसमें आज की चर्चा में हमारे जो शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री रहे हैं वो रहेंगे महात्मा गांधी। तो आज की इस चर्चा में हम महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन और उनकी बुनियादी शिक्षा। जब भी हम महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो उनकी बुनियादी शिक्षा है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने गांधी जी के विषय में लिखा है कि गांधी जी अतीत और भविष्य की दहलीज थे, उनमें अतीत के गुणों का समन्वय और भावी युग के निर्माण करने की शक्ति थी। इस नवीन युग के वे जनक थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल एक महान महात्मा, विचारक, देश प्रेमी, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ नहीं, वरन वे एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को एक नवीन ज्योति प्रदान की। ये डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने गांधी जी के विषय में कहा है। और यदि हम गांधी जी के उसी शिक्षा दर्शन पे हम आगे बढ़ें और आगे यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारी जो चर्चा है उसमें महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय है उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानना अनिवार्य है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के काठियावाड़ पोर्ट गवंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। वैसे ये चर्चा करना एक अतिशोक्ति ही होगा क्योंकि बचपन से ही प्राथमिक कक्षाओं में ही हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब कभी हम किसी विचारक की चर्चा करते हैं तो उसका संक्षिप्त परिचय देना एक औपचारिकता भी है और एक दस्तूर भी है। तो गांधी जी गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी रियासत में दीवान और माता पुतलीबाई दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। 1857 में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड चली गई। 1891 में बैरिस्ट्री पास करके वो भारत लौटे, यानी कानून के शिक्षाविद होकर के वो भारत लौट आए। राजकोट में उन्होंने वकालत आरम्भ की, लेकिन गांधी जी चूंकि संकोची स्वभाव के थे और ऐसा कहा ही नहीं जाता अपितु ये सत्य भी है कि वकालत जैसे पेशे में संकोची और अल्पभाषी होना और मृदुभाषी होना ये एक अयोग्यता के रूप में मापी जाती है। 1893 यानी 1893 में किसी मुकदमे के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीय नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव और उनकी दुर्दशा से गांधी जी को अत्यंत कष्ट हुआ और वो वहां से वापस आने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने केवल वहां से वापस आने का मन ही नहीं बनाया अपितु उनके जीवन का दर्शन ही बदल गया। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स नामक स्थान पर उन्होंने एक आश्रम खोला जिसे शैक्षिक धर्म संस्था का नाम दिया गया। आश्रम में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और ब्रह्मचार्य की शिक्षा का प्रावधान रखा गया। 1911 में मिस्टर पोलक के सहयोग से ट्रॉल सोल में
टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जहां पर बागवानी, हस्तकौशल और क्रियात्मक शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्रियात्मक शिक्षा। क्रियात्मक शिक्षा से हमारा अभिप्राय ये है कि करके देखो, यानी ऐसी शिक्षा जो केवल सैद्धांतिक नहीं हो, जो केवल सिद्धांत, आदर्शों, मूल्यों और केवल किताबी पुस्तकों में लिखे ज्ञान पर आधारित नहीं हो। क्रियात्मक शिक्षा वो होती है जिसमें क्रिया के द्वारा, यानी प्रयोग करके, प्रयोग के द्वारा जिसे देखा जाए और प्रयोग के द्वारा करके देख के उसे अनुभव प्राप्त किया जाए, ज्ञानार्जन प्राप्त किया जाए, उसे हम क्रियात्मक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ ये चर्चा कर लेना भी आवश्यक है कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो मुख्य रूप से करके देखो, यानी कौशल पर आधारित शिक्षा है। अब हम यदि थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि राधा कृष्ण जी ने कहा था कि गांधी जी अतीत और भविष्य की दहलीज थे, और यहाँ पर जब हम पुनः उनके बात कर रहे हैं, गांधी जी की जो क्रियात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि अतीत में भी, यानी 18वीं सदी में और आज जब हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी हमारा जो है वो दोनों कौशल आधारित शिक्षा, यानी गांधी जी ने अपने समय में ही भविष्य को देख लिया था, और आज जो हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री जो कौशल आधारित शिक्षा की बात करते हैं, उसकी संस्तुति गांधी जी ने 1911 में ही कर दी थी। महात्मा गांधी के जीवन परिचय में ये चर्चा करना भी अनिवार्य है कि 1914 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे, यानी जब वो भारत लौट कर आए, और 1915 में फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म की तर्ज पर उन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, यानी 1914 में वो भारत लौटे और 1917 में ही उन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर ली, तथा वहाँ एक विद्यालय खोला जिसमें बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए व्यवसाय एवं हस्त कौशल की शिक्षा की व्यवस्था की गई। अभी थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे क्रियात्मक शिक्षा की, और अभी मैंने एक शब्द और यहाँ पर प्रयोग में लेके आई हूँ, मैं हस्त कौशल की शिक्षा, यानी हाथ से करके कौशल, यानी हाथों के द्वारा जो भी हम उत्पादन करते हैं, कौशल करते हैं या करके देखते हैं, उस शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी होकर उसके विरोध में उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया। इस आंदोलन से गांधी जी का राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने विधिवत 1917 में राजनीति में प्रवेश कर लिया था, और वो प्रवेश का जो प्रथम चरण था वो चंपारण का आंदोलन था, जो अंग्रेजों के अत्याचार से के विरोध में किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, और 15 अगस्त 1947 को भारत इस प्रकार से स्वतंत्र हो गया, और बहुत ही दुखद था, लेकिन 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, और वो हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों से विदा लेकर के और अंतरिक्ष में धूमिल हो गए। ये छोटा सा गांधी जी का जीवन परिचय था, जो उनके शिक्षा दर्शन और उनके दर्शन को जानने से पूर्व जिसकी चर्चा यहाँ पर अनिवार्य थी। गांधी जी की शिक्षा नीति, गांधी जी के दर्शन, इसको जानने के लिए हमें उनकी रचनाओं पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। गांधी जी की जो रचनाएं रही हैं वो यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए लेख थे उनके, मुख्य रूप से यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए लेख विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों का उदार एम शिक्षा के प्रचार पर केंद्रित था। यानी जो यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए जो उनके लेख थे, यदि उनका गहन अध्ययन किया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गांधी जी जातिवाद के विरुद्ध थे, संप्रायवाद के विरुद्ध थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, अछूतों, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, जिसे हम पिछड़ी जाति कहते हैं,
और जिसे हम निचली जाति कहते हैं, सबके अपने अपने सोचने का दायरा है, उनको उनका उदार करना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये और इसके साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार पर केंद्रित थे। उनकी जो मुख्य रचनाएं रही उसमें मेरा धर्म, उन्होंने एक रचना लिखी है वो है उनका मेरा धर्म। दूसरी आत्मकथा, गांधी जी के आत्मकथा, मुझे लगता है जितने भी गांधी दर्शन में या बुनियादी शिक्षा में या गांधी की फिलॉसफी में जिनकी रुचि है, उन्होंने आत्मकथा उनकी निश्चित रूप से उसका अध्ययन किया होगा। सर्वोदय, सत्याग्रह, हिंदू धर्म, हिंदू स्वराज, अनीति की राह पर और विद्यार्थियों के लिए, ये कुछ उनकी मुख्य रचनाएं रही हैं, जिसमें गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन और अपने जीवन दर्शन दोनों को, यदि हमें जानने की उत्कंठा हो, यदि विद्यार्थी दोनों को जानना चाहता हो, आज की भावी पीढ़ी और शिक्षार्थी यदि गांधी दर्शन को पढ़ना चाहता है, तो मेरा धर्म, आत्मकथा, सर्वोदय, सत्याग्रह, हिंदू धर्म, हिंदू स्वराज, अनीति की राह पर और विद्यार्थियों के लिए, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका अध्ययन कर लिया जाना आवश्यक हो जाता है। अब गांधी जी की फिलॉसफी या फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ गांधी जी की ओर हम पढ़ते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने स्वयं दर्शन के विषय में लिखा है, यानी उनका जो अपना जीवन दर्शन था उसके बारे में उन्होंने खुद लिखा है। उसे मैं इन्वाइटेड कॉमा में, जो भी कोई व्यक्ति जब जिस जिसकी जिसका अपना कथन होता है उसे हम इन्वाइटेड कॉमा में, यानी अक्षर से उसी की भाषा में हम चर्चा करते हैं। तो गांधी जी ने स्वयं दर्शन के विषय में जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से था, गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है और न ही उसके पीछे मैं कोई ऐसा संप्रदाय छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं कदापि ये दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। मैंने केवल अपने ढंग से मूल्य सत्यों को अपने नित प्रतिदिन के जीवन और समस्याओं पर लागू करने की चेष्टा की है। ये गांधी जी ने स्वयं दर्शन के विषय में कहा था। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों के साथ को समझाना चाहूंगी, आप लोगों को के साथ इस पर विचार विमर्श करना चाहूंगी। गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है, यानी गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांधीवाद के नाम से कोई भी संप्रदाय और कुछ भी शुरू किया जाए। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं कदापि ये दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर अपने दर्शन में कहा है, देखिए गांधी जी से पहले भी, गांधी जी के बाद भी और आज भी, गांधी जी से पहले, गांधी के समय, गांधी के बाद और गांधी आज, इन्हें यदि हम चार एक तरह से 1800 सदी 1800 सन 1900 सन 2000 और सन 2021 की यदि हम चर्चा करें, तो क्रियात्मक शिक्षा तब भी थी, बुनियादी शिक्षा तब भी थी, बस हुआ क्या है, हर व्यक्ति ने अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपने विचार और अपने भावों के अनुसार नाम परिवर्तन कर दिए हैं। तो गांधी जी ने कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है, मैंने केवल अपने ढंग से मूल्य और सत्यों को अपने नित प्रतिदिन के जीवन और समस्याओं पर लागू करने की चेष्टा करी है। यानी शिक्षा वो आदर्श, वो मूल्य, वो उद्देश्य, वो जो व्यक्ति के जीवन में नित प्रतिदिन उसके नित प्रतिदिन की समस्याएं और उसके जीवन से रोजाना जुड़ा हुआ हो, ये गांधी ने अपने स्वयं के दर्शन के विषय में कहा है। गांधी जी के दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना, गांधी जी के सिद्धांतिक दार्शनिक सिद्धांतों की जब हम विवेचना करते हैं तो उन्हें कुछ कुछ शब्दों के साथ हम उन्हें समाहित कर लेते हैं। और उन्होंने सबसे पहले बात करी है सिद्धांतों में, दार्शनिक सिद्धांतों में सबसे पहले अगर विवेचना की जाए तो सत्य की विवेचना की जाएगी। सत्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है, क्योंकि सत्य का अस्तित्व है और सत्य ही ईश्वर है, ऐसा गांधी के दर्शन में पढ़ने को, जानने को, समझने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है अहिंसा। अहिंसा सब धर्मों का मूल है और सत्य को अहिंसा के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है। यानी यदि सत्य को जानना है तो आपको हिंसा के मार्ग से हटना होगा, आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा।
तो अहिंसा सब धर्मों का मूल है, किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं कही गई है, और सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। फिर आता है सत्याग्रह, सत्य पर अडिग रहना और विरोधी को कष्ट देने की अपेक्षा स्वयं को कष्ट देना, विरोधी को जीतना, यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, और सत्य के लिए आग्रह कैसे नहीं, जैसे कि गांधी जी के दर्शन में हम वो तीन बंदरों की बात देखते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न कहो। तो जो हमारे विरोधी हैं उन विरोधियों को किसी दंड के द्वारा, हिंसा के द्वारा उनका विरोध ना किया जाए, अपितु उन्हें कष्ट ना देके स्वयं कष्ट भोगा जाए और विरोधियों को जीता जाए, ये सत्याग्रह है। निर्भयता, व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त व्यक्ति ही सत्यगामी हो सकता है, भय से मुक्त, है ना। देखिए दो चीज है कि यदि यदि हम बात करते हैं अलग अलग लोगों की, तो कहीं पे कहा गया है कि भय के बिना प्रीति नहीं है, और कहीं पे कहा गया है कि यदि भय है, भय मुक्त यदि हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मविश्वास हमारा डगमगा जाएगा। तो जो दो चीजें हैं, जब हम जय कृष्ण मूर्ति का दर्शन पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे, उन्होंने अपने दर्शन में कहा है कि दो प्रकार की चीजें हैं, एक है कष्ट और है दूसरा है दुख। कष्ट शारीरिक होता है क्योंकि वो व्याधि होती है और उसे औषधियों से और स्वास्थ्य का ध्यान रख करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन दुख मन का होता है, और मन के दुख को दूर करने के लिए मनुष्य को स्वयं दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। तो जो निर्भयता है वो कहने से निर्भयता नहीं आती है, भय नाम की कोई चीज नहीं है यदि मनुष्य ने यह स्वीकार कर लिया, अपने अंतर मन में, अपने आंतरिक हृदय में इस बात को बैठा ली, तो वो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। उसके बाद में आता है ईश्वर। ईश्वर एक अवर्णनीय गूढ़ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। ये हम सभी जानते हैं कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में जो मूर्ति पूजा या जो फिर हम किसी प्रकार की कोई एक एक प्रतीक के रूप में जिसकी पूजा करते हैं, उसे आप ईश्वर का नाम दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो अवर्णनीय गूढ़ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं भी देखा जा सकता है। मानवता भी, मानवता जिसमें है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय गुण समाहित है। तो इस प्रकार से गांधी जी के दार्शनिक सिद्धांतों की जब विवेचना हमने करी तो उसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता और ईश्वर की बात हमने करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। गांधी जी की शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। मूलतः गांधी जी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। उनके अनुसार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र आधार शिक्षा है। एस्ट्रोलॉजी की भांति गांधी जी ने भी शिक्षा के केंद्र में बालक को स्वीकार करते हुए उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। प्रकृतिवाद की झलक भी गांधी जी के शिक्षा दर्शन में दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने बालक और विद्यार्थी की स्वतंत्रता और उसके स्वाभाविक विकास पर भी बल दिया है, और रूसो की तरह गांधी जी ने भी पाठ्य पुस्तकों का विरोध किया है। वो रूसो की भांति प्रकृति की गोद में क्रिया के द्वारा, कौशल के द्वारा विद्यार्थी को सीखने और सिखाने की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी रहे हैं। आदर्शवादी विचारधारा गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार है और प्रकृतिवादी तथा प्रयोजनवाद उसके सहायक है। यानी मूलतः गांधी जी आदर्शवादी थे, लेकिन प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद उनके उनके दर्शन के, उनके शिक्षा दर्शन के सहायक रहे हैं। MS पटेल के शब्दों में यदि कहा जाए तो गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवाद, अपने उद्देश्यों में आदर्शवाद और अपने कार्यक्रम एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी थे। दार्शनिक रूप से गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं, वरन वे सब मिलजुल कर एक हो गई है।
जिससे उनके शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ और आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है तथा मानव आत्मा का सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करने का एक विकल्प भी है, ऐसा MS पटेल कहते हैं। और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उनकी योजनाओं में प्रकृतिवाद, उद्देश्यों में आदर्शवाद और कार्यक्रम और कार्यविधि में प्रयोजनवाद देखने को मिलता है। गांधी जी की शिक्षा दर्शन, गांधी जी के हमने दार्शनिक सिद्धांतों या गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी के शैक्षिक सिद्धांत है, उस पर हमने चर्चा करी। और अब गांधी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर विचार करते हैं। गांधी जी ने कहा है, साक्षरता शिक्षा नहीं, शिक्षा सर्वांगीण विकास है। साक्षरता का मतलब है अक्षर ज्ञान। साक्षरता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने लिखने का ज्ञान आ गया। पढ़ने लिखने में वो केवल अपना नाम लिखने तक भी सीमित रह सकता है और वो उच्च उपाधि भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन साक्षरता जो है वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सारे के सारे विकास आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, बालक बालिकाओं में निहित मानवीय गुणों का विकास करना, यानी हर जो बालक और बालिका है, जब व्यक्ति जन्म लेता है, शिशु, उसकी अपनी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, तो उनके जो उनके अंदर जो निहित मानवीय गुण है उनका विकास करना, बालक के व्यक्तित्व यानी उसके शरीर, हृदय, आत्मा और मस्तिष्क का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, समस्त जन्मजात शक्तियों तथा प्रवृत्तियों का विकास करना, शिक्षा लाभकारी हस्तशिल्प कला और दस्तकारी द्वारा ही संभव है, यानी शिक्षा जो है वो ऐसी हस्तकला और दस्तकला, दस्तकारी जिस जो लाभकारी हो, जो उपयोगी हो। यहाँ देखिए, जब उन्होंने हस्तकला, हस्तशिल्प कला की और दस्तकारी की बात करी तो यहाँ वो प्रयोजनवादी हो जाते हैं। शिक्षा का संबंध वास्तविक और भौतिक परिस्थितियों से हो, यानी शिक्षा ऐसी हो जो वास्तविक, यानी जीवन में जो जो वास्तविकता है उससे जुड़ी हो और भौतिकवादी हो, यहाँ भी वो प्रयोजनवाद की झलक दे रहे हैं। शिक्षा द्वारा बेरोजगारी का अंत होना चाहिए, यानी यहाँ वो व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा केवल नैतिक विकास और मूल्यों पर आधारित नहीं हो सकती, वो ऐसी भी हो जो जीवन के लिए उपयोगी हो। 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, देखिए गांधी जी ने 19वीं सदी के आरंभ में 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की के प्रावधान की बात करी, और हम 2009 के अमेंडमेंट और 2010 में हमने जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको लेकर क्या है, तो जो राधा कृष्णन जी ने कहा था कि भूत और वर्तमान और भविष्य का एक पूरा सामंजस्य उनमें था, वो बात यहाँ पे पूरी तरह से प्रमाणित की जा सकती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए, मातृभाषा जो है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी मातृभाषा में सोचता है, और जो सोचता है वो बोलता है, वो लिखता है, तो शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। परिस्थितियों को समझने वाली सक्रिय शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किताबी ज्ञान। यदि आज हम प्राचीन काल की शिक्षा की बात करते हैं तो परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया, स्थान बदल गया, इसलिए गांधी जी ने कहा कि शिक्षा परिस्थितियों को समझने वाली और सक्रिय होनी चाहिए। उत्पादन एवं उद्योग केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे उत्पादन किया जा सके और उद्योग विकसित किए जा सके। आत्मनिर्भर बनने वाली स्वावलंबी शिक्षा होनी चाहिए। जब उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात करी तो निश्चित रूप से ये जो एक हमारा कथन है ये सत्यापित हो रहा है। नवीन प्रयोग, नवीन खोज और नवीन पद्धतियों पर आधारित, गांधी जी ने अनुसंधान पर भी जोर दिया है, क्योंकि जब वो नवीन प्रयोग, नवीन खोज और नवीन पद्धतियों पर आधारित शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का निर्माण कर सके। इस प्रकार से जो गांधी का शिक्षा दर्शन है, गांधी जी के जब हम शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये हमारी कुछ
उन्होंने आधारभूत सिद्धांत बताए हैं वो हमें उन्हें पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं गांधी के शिक्षा दर्शन की, तो एक बार हम इसे पुनः इस पर विचार विमर्श कर लेते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समाहित करते हुए उनकी शिक्षा चली। सबसे पहले जो बात थी वो थी अतीत और भविष्य के दहलीज की, और उन्होंने अतीत और भविष्य का दहलीज दोनों की बात करते हुए प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की शिक्षा को लेकर के वो आगे बढ़े। एक साधारण से परिवार में, साधारण ही कहूंगी मैं क्योंकि उनके पिता कोई राजा महाराजा नहीं थे, और एक सौभाग्य रहा है कि मुझे पोरबंदर उनकी जन्म स्थली, वहां जहां उनका जन्म हुआ वहां भ्रमण का अवसर मिला और मैं गई और मैंने देखा कि वो बहुत ही एक, यदि मैं ये कहूँ कि 6x10 की एक छोटी सी ऐसा स्थान था जो उनके, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी माता और पिता रहते थे, एक छोटा सा जो कमरा था उसमें उनका लालन पालन पोषण हुआ, और वहाँ से उठ करके और उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था करी, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, और उसके बाद में वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ उन्होंने वकालत करी और एक क्रियात्मक शिक्षा, एक बुनियादी शिक्षा, या मैं ये कहूँ कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और ब्रह्मचार्य की शिक्षा का प्रावधान रखते हुए उन्होंने वहाँ साउथ अफ्रीका में भी दो शैक्षिक धर्म संस्था, जिसको नाम दिया फिनिक्स में, उसकी स्थापना करी और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये गांधी दर्शन से सीखने वाली बात है। और उसी की तर्ज पर उन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना करी भारत में, गुजरात में। और ये मेरा सौभाग्य ही कहूँगी, या ये कहूँगी कि शिक्षिका होने के नाते फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की प्राध्यापिका, अध्यापिका और शिक्षिका होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, मुझे दोनों ही स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला, और उनको मैंने गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है उसको करीब से देखने का प्रयास करा है, उसे समझने का प्रयास करा है, और उसे उसकी कुछ जो चीज़ें हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में जिसे साकार किया जा सकता है उन्हें जीवन में उतारने का की कोशिश करी है। उनके जो आत्मकथा है वो मैंने पढ़ी है, और आत्मकथा को, जब गांधी की आत्मकथा हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि क्यों गांधी का दर्शन जो है, या गांधी की का शिक्षा दर्शन जो है, वो वर्तमान परिस्थितियों में भी उसकी उपयोगिता है। गांधी जी के जब दार्शनिक सिद्धांतों की हमने विवेचना करी तो पांच एक मुख्य जो शब्द है जिनको लेकर के हम उनके दर्शन को समझ सकते हैं, जिसमें सत्य है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य है यानी सत्य जो है वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि सत्य का अस्तित्व है, और अस्तित्व जहाँ पे है वो ईश्वर है, यानी अस्तित्व है, सत्य ही ईश्वर है। यानी अगर सत्य है, सत्य क्या है, जो वास्तविकता है, और सत्य से कभी भी मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, तो सत्य है। और सत्य के बाद आता है अहिंसा। अहिंसा सब धर्मों का मूल है। जो व्यक्ति अहिंसक है वो सर्वधर्म संभाव की जो एक मानसिकता है उसको लेकर के चलने वाला है, और अहिंसा के माध्यम से ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह है, यानी यदि सत्य है तो वहाँ पर विरोधियों को कष्ट दे करके नहीं, स्वयं को कष्ट दे करके हमें आगे बढ़ना होगा। भय नाम की कोई चीज नहीं है, निर्भयता, भयमुक्त होकर ही मनुष्य, क्योंकि यदि हम भयभीत होंगे तो हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। सत्य का साथ देने के लिए, सत्य को आत्मसात करने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है भयमुक्त होना। और ईश्वर जो है वो एक अवर्णनीय, यानी एक अदृश्य, ऐसी अवर्णनीय गूढ़ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, बस मनुष्य को उसे अंतर्मन से समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। और गांधी के दर्शन में जो हमने चर्चा करी है कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का अद्भुत समन्वय है, अद्भुत सामंजस्य है, ये इस प्रकार से हम जो गांधी का दर्शन है
उसको हम समझ पा रहे हैं। गांधी ने रूसो के प्रकृतिवाद को भी अपनाया, गांधी ने पेस्टालोजी का जो एक सिद्धांत था कि बालक केंद्र में होना चाहिए, उसे भी आत्मसात किया है। और गांधी आदर्शवादी तो थे ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ, पुनः हम गांधी का जो दर्शन है उस पे इससे आगे वाली व्याख्यान श्रृंखला में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।